दोस्तों, आने वाला दौर इलेक्ट्रिक कार का होने वाला है। ऐसे में अगर आप एक नई इलेक्ट्रिक कार अभी लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा वेट करो। आने वाले कुछ महीनों में आपको बहुत सारे कार ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होते दिखेंगे। चाहे आपको एक प्रीमियम ईवी या फिर अफोर्डेबल ईवी, सभी तरह के इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में आपको देखने को मिलने वाला है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में महिंद्रा और टाटा राज करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के बहुत से इलेक्ट्रिक कार आपको देखने को मिलेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाले हैं। और टाटा तो अभी से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में सबसे आगे है इंडिया में। लेकिन अब और भी कार ब्रांड्स टाटा को टक्कर देने के लिए आ जाएंगे, जैसे कि महिंद्रा हो गया, हुंडई, मारुति सुजुकी और भी बहुत सारे कार ब्रांड्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पांच अपकमिंग शानदार इलेक्ट्रिक कार के बारे में। नंबर वन, महिंद्रा XUV400। दोस्तों, महिंद्रा ने अपनी XUV400 को इसी साल में शोकेस किया था और बताया था कि सबसे फास्टेस्ट और ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है। महिंद्रा ने क्लेम किया XUV400 आपको 450 किलोमीटर का रेंज दे देगी ऑन ए सिंगल चार्ज। XUV400 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी टक्कर देगी टाटा के नेक्सॉन ईवी और हुंडई कोना जैसे गाड़ियों को। नंबर टू, MG Air EV। दोस्तों, MG GS EV के सक्सेस के बाद अब MG अपनी इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाने वाली है और MG Air EV को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। इंडिया में लॉन्च होने वाला पहला सबसे छोटा इलेक्ट्रिक कार MG का होने वाला है। दोस्तों, MG Air EV बिल्कुल टाटा नैनो जैसा दिखने वाला इलेक्ट्रिक कार होने वाला है। MG क्लेम करता है MG Air EV में आपको लगभग 200 से लेकर 300 किलोमीटर का रेंज दे देगा ऑन ए सिंगल चार्ज। MG अपनी इलेक्ट्रिक कार को इंडिया में 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में शोकेस कर सकता है। नंबर थ्री, सिट्रोएन EC3। दोस्तों, फ्रेंच कार बनाने वाली कंपनी सिट्रोएन ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को इंडिया में रिवील किया है। सिट्रोएन की आने वाली यह इलेक्ट्रिक कार बेस्ड होगी सिट्रोएन C3 हैचबैक के ऊपर। दोस्तों, सिट्रोएन ने बहुत पहले ये कंफर्म कर दिया था कि वो इंडिया में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार 2023 में लाएगी। सिट्रोएन EC3 की रेंज लगभग 250 से लेकर 300 किलोमीटर की होगी ऑन ए सिंगल चार्ज। नंबर फोर, हुंडई आयोनिक 5। दोस्तों, हुंडई ने ऑलरेडी क्लेम कर दिया कि हुंडई आयोनिक 5 EV इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होगी। ऑलरेडी हम ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी को देख सकते हैं। आयोनिक 5 प्रीमियम सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। हुंडई कोना के बाद इंडियन कार मार्केट में यह सेकंड इलेक्ट्रिक कार होने वाली है हुंडई की। आयोनिक 5 का रेंज लगभग 450 किलोमीटर का होगा। नंबर फाइव, टाटा अल्ट्रोज EV। दोस्तों, हाल ही में टाटा ने लॉन्च किया था टाटा टियागो EV, जो कि इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है। पर अब टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक लाइनअप को और ज्यादा बढ़ाने वाली है हैचबैक सेगमेंट में, और ऐसा टाटा करेगी अल्ट्रोज EV को ऐड कर। टाटा अल्ट्रोज EV की रेंज होगी लगभग 250 से लेकर 300 किलोमीटर की, और ये गाड़ी 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में एंटर कर सकती है इंडियन कार मार्केट में। तो दोस्तों, ये है पांच अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार जो कि आपको 2023 में देखने को मिलेगा। तो आप इन इलेक्ट्रिक कार में किसका वेट कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।